जंगलात में भी जाके इबादत हो सकती थी,
अकेले अकेले इस उम्मत के अंदर बाकायदा मस्जिद बनाने का हुक्म, मस्जिद में आने का हुक्म, इबादत मिलके करने का हुक्म क्यों दिया गया है? क्योंकि अल्लाह ताला बहुत पसंद है कि मुसलमान हमेशा इकट्ठे रहते हैं, ये जुदा ना, और दिन में कोई आपस में मिले या ना मिले, आपस में मोहब्बत हो या ना हो, अल्लाह ताला ने मुसलमानों को इकट्ठा रखने और रहने के लिए ऐसी तरकीब इरशाद फरमाई कि नमाज कायम करो, तुम चाहो ना चाहो हम तुम्हें इकट्ठा रखेंगे, तुम्हारे दिल में नफरत हो, कीना हो, बुग़्ज़ हो, हसद हो, कुछ भी हो, हम तुम्हें इकट्ठा रखेंगे क्योंकि सारे के सारे हमारे बंदे हैं। इस्लाम ने दर्ज किया और आप देखिए कि सुभान अल्लाह किस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने जमा किया। जमात के लिए सब बना, ये नहीं कि मस्जिद में एक वहां खड़े हो जाओ, एक वहां खड़े हो जाओ, एक यहां एक वहां, नहीं, जमात का टाइम हो, सब बन रही हो, अगर तुम्हारा दुश्मन खड़ा है तो इंतजार नहीं कर सकते कि कोई और आके खड़ा हो फिर मैं दूसरी जगह खड़ा हो जाऊं, नहीं, ये अल्लाह ताला ने इकट्ठा रहने का हुक्म इरशाद फरमाया। क्या राज है इस्लाम में और उसकी इबादत होने, तुम्हारा दुश्मन खड़ा है तुम्हें अल्लाह की इबादत करने के लिए उसके साथ खड़ा होना पड़ेगा, इंतजार नहीं कर सकते कि पीछे मुड़ के देखे कोई आता है तो मैं खड़ा हो जाऊं, नहीं, फौरन खड़ा होना तुम्हारे लिए वाजिब है, और फौरन सब में खड़ा होना वाजिब इसलिए है कि अगर कोई सुन्नत मुअक्कदा पढ़ रहा है, उसने दो रकअत पढ़ी है तकबीर होगी तो दो रकअत पे सलाम फेर के उसे जमात में हाजिर होना पड़ेगा, इसलिए मैंने अर्ज किया कि फौरन खड़ा होना वाजिब है जमात के लिए, ये ना हो कि इंतजार हो रहा हो कि इसके साथ कैसे खड़ा हो जाऊं, नहीं, والذين آمنوا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم, محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کے ساتھ ہیں رحماء بينهم, آپس میں بڑے رحم دل ہیں, تو ہم اپنے آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھامنے والا کہتے ہیں, اہل سنت والجماعت, तो हम जरा सोचे कि कुरान फरमाता है रुहमा बैनहु, आपस में रहम दिल, कि हम भी ऐसे हैं, अल्लाह ताला ने इकट्ठा कर दिया, अगर बंदा सोचे तो अल्लाह ताला ने कहां कहां इकट्ठा किया, देखिए रमजान आया सबके दिल में कोई जज्बा पैदा फरमा देते, सबके साथ आते हैं तो गोया रमजान के जरिए इकट्ठा किया, एतिकाफ आया एतिकाफ के जरिए इकट्ठा किया, इफ्तारी आई इफ्तारी के जरिए इकट्ठा किया, जुम्मा आया जुम्मा के जरिए, पांच नमाजें पांच नमाजों के जरिए, और ईद की नमाज में तो वो भी आ जाते हैं जो पूरा साल मस्जिद मस्जिद का मुंह नहीं देते, कम अज कम साल में तो इकट्ठे रहो, इकट्ठा रहता है, ये नहीं है कि जनाब शादी में इकट्ठे हो गए, रोज इकट्ठा होने का जो एक मजा है, इसमें जो एक चाशनी है, जिसमें एक मोहब्बत है, ये अल्लाह वाले ही जानते, जो इल्म रखते हैं दीन इस्लाम का वो जानेंगे इसमें कितना मजा है कि रोज इकट्ठे होकर बैठते हैं। इसमें एक राज ये भी है, आपने घर में देखा होगा जब खाना खाते हैं माँ सबसे कहती है चलो बैठो बैठो, सबको इकट्ठे बैठाती है, ये अलग अलग खाना खाना मुसलमानों का तरीका नहीं है, जो मिल के खाना खाया जाता है हदीस में उसका हिसाब नहीं लिया जाएगा, इसलिए मिल के खाना चाहिए, तो माँ सबको इकट्ठा करती है ना, वो बैठो बैठो खाना खाना बैठो सब मिल के खाना खाना, हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है जब खाने का वक्त होता है तो अम्मी हुजूर आवाज देती है भाई खाना लग गया सब आ जाते, जब तक सब नहीं आ जाते खाना नहीं शुरू होता, तो आप जरा मस्जिद को देखिए और जमात को देखिए, जब जमात का टाइम हुआ अल्लाह ताला की तरफ से पुकारने वाले ने पुकारा अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, आगे इरशाद फरमाया हय अलस सलाह, नमाज की तरफ आओ फला की तरफ आओ, सब आ जाता है इकट्ठे होके अल्लाह ताला की इबादत करो, तो अल्लाह ताला की मोहब्बत को माँ की मोहब्बत से पहचाना जा सकता है, वो खाने के लिए जमा करती है, वो इबादत के लिए जमा करने वाली जमा होकर इबादत करती है।
مثالیں بہت ہیں دینے کے لیے. ہم دیکھتے ہیں یہ بزرگ کہتے ہیں ایک انگلی سے کسی کو نہیں مارا جا سکتا, ایک انگلی کسی کو مارے تو ٹوٹ جائے گی, کسی کے منہ میں بھی مارے تو ٹوٹنے کا خطرہ ہے, لیکن پانچ کو ملا کے مارے تو اس کا دانت ٹوٹنے کا خطرہ ہو جاتا ہے. تو مسلمانوں کو جمع رہنے کا حکم دیا کہ تم جمع ہو گئے تو طاقتور رہو گے, اور جس دن تم الگ الگ ہو گئے تو انگلی کی طرح تمہیں توڑ دیا جائے گا اور اپنے آپ کو جوڑ نہ سکو گے. تو اس لیے دل دل سے جڑا رہے, ہاتھوں میں ہاتھ رہے, سینے سے سینہ ملا رہے, کوئی پڑوسی پڑوسی سے ناراض نہ ہو, کوئی دوست دوست سے ناراض نہ ہو, کوئی بھائی بھائی سے جدا نہ ہو, بیٹا باپ کا باغی نہ ہو, اولاد ماں باپ کی نافرمان نہ ہو, ہر ایک دوسرے کے ادب کا خیال رکھے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپس میں مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جس طرح رمضان میں مسجد بھری ہوئی تھی, اللہ کرے کہ ہم رمضان کے بعد بھی اسی طرح مسجد میں آتے رہے, اسی طرح مل جل کے کام کرتے رہے.